प्रोपोगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ अन एंटीसिपेटेड चेंजेज इन द मनी सप्लाई सो हमने देखा कि मनी न्यूट्रल नहीं है एम्पेरिकली ये एविडेंस सामने आ रही है और क्लासिकल फिर उसको आ, उसके साथ रिकनसाइल करते हैं मिसपरसेप्शन थ्योरी के तहत ठीक है बट इट डज नाट सीम लाइक पीपल क्व भी फूल फॉर लॉन्ग सिंस मनी सप्लाई फ़िगर्स आर रिपोर्ट वीकली एंड इन्फ्लेशन इज रिपोर्ट मंथली के चूँकि ये डेटा बहुत क्विकली अवेलेबल होता है मनी सप्लाई का भी पब्लिकली अवेलेबल होता है और प्राइस का भी अवेलेबल होता है तो ये फिर वो थ्योरी की बुनियाद पर कि लोग, लोगों को वो मिस परसीव करेंगे तो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता क्लासिकल इकॉनमिस्ट आर्गू देट प्रोपोगे मेकानिज़म मेकानिजम अलाउ शॉर्ट लिव्ड शॉक्स टू हैव लॉन्ग लिव्ड इफेक्ट्स तो फिर वो इस तरह से कहते हैं कि जो उसमें जो बहुत थोड़े यानी अनएंटिसपेटेड चेंज आ गई लेकिन जैसे मैंने बताया कि मनी सप्लाई की फिगर और प्राइसेस का डाटा अवेलेबल हो जाएगा बहुत क्विकली तो लोग फिर अपने परसेप्शन को रिवाइज़ कर लेंगे ठीक है तो वो तो फिर बहुत क्विकली यानी बहुत थोड़े अरसे के लिए मिस परसेप्शन रहेगी तो उसके जवाब में क्लासिकल ये कहते हैं कि एक्चुअली वो जो थोड़े अरसे के लिए मिस परसेप्शन थी उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए रह सकता है वो क्यों रहेगा उसकी वो जस्टिफिकेशन देते हैं प्रोपोगेशन मेकानिज़म जो है वो उसकी अभी हम एक, एक एग्जाम्पल से उसे समझते हैं वो कहते हैं इसकी वजह से वो जो बहुत थोड़े अरसे के लिए भी मिस परसेप्शन थी उसका असर कुछ लंबे अरसे के लिए रह सकता है उसके एग्ज़ाम्पल क्या है एग्जाम्पल वो इन्वेंट्रीज के हवाले से जो फॉर्म्स का बिहेवियर होता है उसकी मदद से उसको वो सम एक्सप्लेन करते हैं कि फार्म होल्ड्स आर नॉर्मल लेवल ऑफ इन्वेंटरीज अगेंस्ट देयर नॉर्मल लेवल ऑफ सेल्स के रूटीन में फॉर्म्स जो हैं वो जो उनका नॉर्मल सेल है उसके मुताबिक वो एडजस्ट कर लेती है कि क्या इन्वेंट्री लेवल होना चाहिए एन अन एंटिसपेटेड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इंक्रीज सेल्स लेकिन जब मनी सप् मनी सप्लाई में जो अनएक्सपेक्टेड इजाफा होगा उससे उनकी डिमांड बढ़ जाएगी और सेल में इजाफा हो जाएगा सेल में जो इजाफा होगा से उस इजाफे को मीट करने के लिए क्या ज़ाहिर दो ऑप्शन फर्म के पास मौजूद होंगे एक तो ये कि अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और दूसरी ऑप्शन ये कि इन्वेंट्रीज में से चीज़ें ला कर उसकी सप्लाई में इजाफ़ा किया जाए तो फॉर्म प्रोडक्शन को शॉर्ट टर्म में बढ़ाना नॉर्मली कॉस्टली होता है तो फॉर्म्स फिर दोनों ऑप्शन को यूज़ करेगी कि कुछ हद हाँ तक अपनी डिमांड को मीट करने के लिए प्रोडक्शन में इजाफ़ा करेगी और कुछ हद हाँ तक बाकी जो इजाफा है उसको वो पूरा करेगी अपनी इन्वेंट्रीज़ में कमी लाके। सो इवन आफ्टर द मनी सप्लाई चेंज इज़ नोन अच्छा अब ये अनएंटिसपेटेड था डिमांड में इजाफा हुआ था और उस वजह से फॉर्म ने उसको मिस परसीव किया वो सारी बातें अगर हम ठीक है उसके मुताबिक है तो अब फॉर्म ने क्या किया उस डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी कुछ प्रोडक्शन बढ़ाई लेकिन साथ साथ उसने अपनी इन्वेंट्रीज में भी उसे कमी कर दी तो अब जब वो मिसपरसेपशन ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा रूटीन में आ जाएगी नॉर्मल डिमांड आ जाएगी लेकिन अब फॉर्म इसके बावजूद अपनी आउटपुट को ज़्यादा रखेगी क्योंकि उसने अपने जो नॉर्मल लेवल ऑफ़ इन्वेंट्री है उसको अब जो कमी हो गई थी उसमें उसको अब मेंटेन करने के लिए उसको प्रोडक्शन में इजाफा करना पड़ेगा तो इस तरह से वो जस्टिफाई करते हैं कि वो जो शॉर्ट लिफ्ट था वो उसका इम्पैक्ट यानी जब वो मिसपरसेप्शन दूर हो जाएगी तो भी पॉम्स कुछ अरसे के लिए उसकी आउटपुट उसमें इजाफा बाकी रहेगा सो द शॉर्ट टर्म मॉनिटरी शॉक हैज़ अ लॉन्ग लिफ्ट इफेक्ट ऑन द इकोनमी अगर अगरचे हमने ये टेक्स्ट में और हमने जिस तरह से इस चीज़ को पढ़ा हमने आर बी सी थ्यूरी पहले पढ़ी और मिस मिसपरसेप्शन थ्योरी बाद में पढ़ी उसमें उन दोनों को फिर हमने इकट्ठे किया लेकिन इनफैक्ट जो मिसपरसेप्शन थ्यूरी थी ये पहले आई और आर बी सी थ्यूरी उसके बाद आई मैनी क्लासिकल इकॉनमिस्ट मूव्ड अवे फ्राम द मिसपरसेप्शन थ्यूरी बिकॉज दे व नॉट कन्विंस्ड बाई इट्स आर्गूमेंट फॉर मॉनिटरी नॉन न्यूट्रैलिटी इन परटिकुलर द इंफॉर्मेशन लैग इन ऑब्जर्विंग मनी एंड प्राइस डेड नॉट सीम लॉन्ग एंड लॉन्ग एनफ टू काज मच इफेक्ट के वो जो मिसपरसेप्शन थ्यूरी की बुनियाद पर मनी की नॉन न्यूट्रेलिटी को जस्टिफाई करते हैं ये जहा है इतना कन्विंसिंग आर्गमेंट इसलिए नहीं बनता जैसे मैंने आपको बताया कि मनी सप्लाई के बारे में डाटा जो है वो बहुत रेडीली अवेलेबल होता है तो इसलिए वो मिसपरसेप्शन वाला आर्गमेंट इतना कन्विंस नहीं करता सो so, फाइनली हम मिसपरसेप्शन वर्जन जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं ऑरिजेंटल एक्सेस पर आउटपुट ले रहे हैं वर्टिकल एक्सेस पर प्राइस ले रहे हैं ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है ओके सो ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो इंटरसेक्शन पॉइंट एच पर है तो पी थ्री जो आपका एक्चुअल प्राइस लेवल भी है और एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल भी है सो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल आपका पी थ्री है तो ये आपका एक हो गया लेकिन ये एक शॉर्ट सप्लाई कर्व है जब एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल जो है ये पी वन है तो उसके नतीजे में क्या होगा फिर पी वन के नतीजे में मैंने बताया कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं पी वन प्राइस लेवल ठीक है तो एक्चुअल प्राइसेस ज़्यादा हैं तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास एफ इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा यानी लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे एक्चुअल प्राइस उससे ज़्यादा हैं तो लोग उससे जैसे हमने पढ़ा मिसप्रसेप्शन थ्योरी में कि लोग उससे समझेंगे कि शायद ये हमें हमारी रिलेटिव प्राइसिस में इजाफ़ा हो गया तो उस उसके फ़ायदा लेने के लिए वो प्रोडक्शन में इजाफ़ा कर देंगे तो आउटपुट बढ़ जाएगी और प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा लेकिन फाइनली इकॉनमी दोबारा एच पॉइंट पर आ जाएगी जब परसैप्शन जो हैं वो एक्चुअल प्राइस के इक्वल हो जाएंगे Okay, thank you very much.